में बैठा था और मैं किस देख रहा था, मतलब YouTube पे देख रहा था कि मतलब मूवीज में भी मतलब दिखाया जाता है कि Hey guys, welcome back to my new vlog. और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज संडे है, साथ में बारिश हो रखी है तो रोड से एकदम मतलब अच्छा खासा मौसम हो रखा है. अभी मैं आया था श्रेय के साथ, श्रेय को आर ओ लेना था तो उसके लिए मैं आया था. तो देख रहे हैं अभी पसंद आएगा तो नहीं आएगा. अच्छा पता है श्रेय को तो बेस्ट लगता है, बाकी देखते हैं श्रेय कौन सा लेता है. अभी श्रेय शॉप के अंदर है, देखते हैं कौन सा लेता है फाइनली. ओए बीन गया तू तो यार, ये चैम्पू फाइनली लंच कर लिया है और अब जाके कुछ सुकून है. बाकी कल सुबह तो बारिश ही हो रही थी, अभी देखो ये धूप हो गया. तो यहाँ का वेदर का कुछ पता ही नहीं चलता है क्या ही सीन है, मतलब कभी बारिश होती है कभी नहीं. मतलब सुबह इतनी अच्छी खासी बारिश हो रही थी और अभी जाके एकदम घनी धूप, तो ऐसा पैर जल रहे हैं. तो तो अभी दोस्त लोग आए थे, दोस्त लोगों के साथ काफी देर बातचीत हुई हमारी. और एक सेकंड कुछ मैं ब्लॉग्स देख रहा था एग्जांपल के लिए कैसे कुछ नया कुछ कर सकते हैं. तो वो तो दोस्त लोग आए थे तो दोस्तों के साथ बैठ के काफ़ी देर गपशप किया. और संडे था तो संडे में दोस्त लोग आ गए तो क्या ही बात हो सकती है, इससे फिर संडे क्या ही हो सकता है. यशवंत और श्रेय आए थे तभी तो गेस्ट अटेंड कर रहा था तो वो नहीं आ पाए. तो बाकी अब रात हो चुकी है और देख सकते हो तुम घनघोर रात हमारी. और अब हमें लगी भूख तो हमने सोचा कुछ खाते हैं. तो माता सिंह ने बोला नमकीन रखा हुआ खा ले. और ये देखो पूरा डिब्बा भर के हमारा मूँगफली वाला नमकीन, तो ये खाते हैं उसके बाद फिर खाना खाएंगे, मतलब डाइट जो है वो खाएंगे. उसके बाद फिर अपना खा के फिर अपना एडिटिंग करके सो जाएंगे. और बाकी फिर कल से तो है ही है कॉलेज, अपना जीवन का कॉलेज तो है ही, वो ख़त्म होगा नहीं. उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो तो फिर कहीं जाने का प्लान बनाएंगे, गाँव का प्लान भी है तो देखते हैं आगे क्या होता है उसमें. तो अभी मैं यहाँ मस्त बैठ के गाने सुनते सुनते ये क्यूब सॉल्व कर रहा था और काफ़ी कुछ सॉल्व, कई बार तो मैं अब तक एक्सपर्ट हूँ इसको सॉल्व करने में. अभी एक गिरा अभी मैं खाना खा के बैठा था और मैं किस देख रहा था, मतलब यूट्यूब पे देख रहा था कि मतलब मूवीज़ में भी मतलब दिखाया जाता है कि गीता में जो लिखा होता है वो सच होता है और जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड उन सब का आंसर मिलता है गीता में. तो मतलब मैंने तो मतलब हाँ ये कि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टार्टिंग के पेजेस और लगा मेरे को कि हाँ पॉसिबल है कि इसमें मिल जाएंगे आंसर. तो चलो इसको ट्राई करते हैं कि और क्वेश्चन मतलब क्या क्या है गीता के अंदर वो देखते हैं. और गीता की कसम शायद कोर्ट में भी खिलाई जाती है अकॉर्डिंग टू मूवीज़ मैंने देखा है, बाकी तो रियल में तो मैंने कभी देखा नहीं है और ना देखना पड़े इसी मतलब. तो चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें गीता के अंदर. तो ये रहे हमारी गीता की किताब जो मैं अपने साथ रखता हूँ, मतलब अपने डेस्क पे हर वक्त रखता हूँ. और इसको फ्रंट यहाँ देखो सबसे मेन चीज़ लिखी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु चगा तुम्हें व तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें व तुम्हें सर्व मम देव देव. ये सबसे बेस्ट है. बाकी ये तो गीता तो भाई साहब बहुत कुछ सिखाती है अगर सीखना चाहो तो. तो यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन जी और धृतराष्ट्र और संजय जो हैं ये. तो मैंने काफ़ी देर मतलब ये ग्रंथ पढ़ा और मतलब बहुत कुछ जो है वो क्लियर होता है इससे. और मैंने तो अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, इसको जब पूरा पढ़ लूँगा तो भाई तो फिर तो जीवन के हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे. ऐसा है ये ग्रंथ गीता क्या है होता मतलब सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं अपने पास रखता हूँ कि इससे पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है. मतलब इतने बुक के अंदर के जो मतलब कंटेंट है जो भी लिखा हुआ है उससे प्लस ये बुक जो है वो अलग ही एक अलग वाइब देता है. तो ये हमारी गीता और मैंने सोचा चलो आज मैं भी दिखाता हूँ मतलब क्या कहते हैं ये बुक के बारे में क्या कैसे है. तो बुक तो मतलब ग्रंथ है एक्चुअली, बुक भी नहीं कहेंगे बुक तो उसकी रिस्पेक्ट डालोगे सॉरी, ग्रंथ है ये जो कि एकदम मतलब सही है एकदम 100%. थोड़ी देर पढ़ के मतलब मन को एकदम शांति से मिल गई और एकदम
पॉजिटिव वाइब आ गई, तो बस इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज बोला मैं इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए जो ऑल इज अबाउट गीता, गीता में क्या कैसे है वो मैंने पढ़ा और आपको उसका रिव्यू दिया, और तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको भर के प्यार दो, और गीता तुम लोग भी पढ़ो, मतलब तुम्हारे लाइफ में जो एक प्रॉब्लम चल रही होगी सबका आंसर है उसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सर।